मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा और बच्चे क्या जानते हैं यहाँ पर, बच्चे कितने मतलब सीख रहे हैं अभी। खड़े हो जाइए बेटी आप, अपना नाम बताइए आप। अंजलि। अंजलि, आपके पिताजी का नाम? गणेश। गणेश नाम है। आप किस क्लास में पढ़ती हैं, किस कक्षा में? छः में। कक्षा छः में पढ़ती हैं आप ना। अच्छा, यहाँ पर इस क्लास में क्या सभी लोग मिक्स बैठे हुए हैं क्या? जी। 3, 4, 5, 6? नहीं सर। हाँ, 6, 7, 8। 6 बैठे हुए, 7 बैठे हुए और 8। 8 में कितने लोग बच्चे हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, इतने लोग। 7 में कितने लोग हैं और 6 में कितने लोग हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। तो आप खड़ी हो जाइए, बैठ के हुए बैठ खड़ी हो जाइए। चलिए, 6 में पढ़ते हैं आप ना। आपने नाम क्या बताया था अपना? अंजलि। अंजलि, अंजलि का स्पेलिंग बताइए। अपने नाम की स्पेलिंग नहीं जानते हैं। खड़े हो जाइए, आपसे बात कर लीजिए थोड़ा सा। आप 6 में पढ़ती बेटिया, आपको नाम का स्पेलिंग नहीं पता? नहीं। क्यों बताइए, आप खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? मधु कुमारी। मधु कुमारी, आपके पिताजी का नाम? गणेश। गणेश नाम है। तो गणेश की स्पेलिंग बताइए। GNESH। GNESH, गणेश। क्या ये सही है? GNESH, ये गणेश का नाम स्पेलिंग सही है? कोई बताएगा? आप ये सही बता रही हैं, आपको विश्वास है? जी। बिल्कुल गलत है बेटिया, ठीक ना? ये ऐसे गणेश की स्पेलिंग नहीं होता है। आप किस क्लास पढ़ती हैं? कक्षा 7। कक्षा 7 में। आप बताइए सितंबर की स्पेलिंग बताइए। नहीं पता है। नहीं पता आपको? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन होते हैं। सैटरडे की स्पेलिंग बताइए। नहीं पता है। आप कक्षा 7 में पढ़ती हैं? जी। जी, आप खड़े हो जाइए। अपना नाम बताइए बेटी। अपना? मेनिका। मेनिका। अपने पिताजी का नाम? शंभू। अच्छा, आप लोग सब यहाँ पे चागा से ही बिलोंग कर मतलब रहने वाले हैं कि चागा के बगल वाले गांव से भी हैं? आप किस गांव से यहाँ पे हैं? बरवाटोला से है। तो आप किस क्लास पढ़ती हैं? 6। अच्छा, 6 में। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में, एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं, महीने? 7 होते हैं। तो ये जो है प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय चागा है और मैं यहाँ पर उपलब्ध हूँ बच्चों के साथ, अभी मैं बात कर ही रहा हूँ। और एक महीने में, एक साल में 7 मंथ होते हैं और गणेश की स्पेलिंग GNESH होता है। और बाकी यहाँ पर जो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने पूछा, अभी बच्चे बिल्कुल कन्फ्यूज्ड हैं और इनको नहीं पता है। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर ये जूनियर विद्यालय है, यहाँ पर बच्चे 7, 8 वाले बच्चे पढ़ते हैं। कक्षा 8 में कौन पढ़ता है, जरा हाथ खड़ा करिए फिर से एक बार। आप लोग खड़े हो जाइए, आप बिटिया खड़े हो जाइए। नाम बताइए अपना। सोन कुंवर। सोन कुंवर, सोन कुंवर का स्पेलिंग क्या है बेटा? नहीं पता आपको? नहीं। नहीं पता आपको? आप 8 में पढ़ते हैं? जी। कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाइए। आप बताइए अपना नाम। दुर्गावती। दुर्गावती, कहाँ घर है बेटा आपका? बरवाटोला। बरवाटोला। अपने पिताजी का नाम बताइए। राम। तो बेटा बताइए, कक्षा 8 में पढ़ते हैं आप, 8 की स्पेलिंग क्या है? नहीं पता। ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर देखिए किसी भी विद्यालय का, मैं यहाँ पर मेरा काम सिर्फ क्या है, एजुकेशन सिस्टम को जो है रिसर्च करना, एजुकेशन सिस्टम क्या चल रहा है। और अभी मैं जिस विद्यालय में हूँ, बच्चों से इस तरह की जो है बेरहमी बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है, चाहे वो अपने स्तर पर कोई भी हो। शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करना किसी का भी जो है हक नहीं है, ना किसी के जो है अधिकार है। इस बिटिया से हमने पूछा, 8 का स्पेलिंग का चार्ट पढ़ती है और इनको 8 का स्पेलिंग तक नहीं पता है। इन बिटिया का नाम है सोन कुंवर, इनसे हमने सोन कुंवर का स्पेलिंग पूछा। हालांकि आपको पता होगा, कितना भी बच्चा कमजोर होगा, अपने नाम की स्पेलिंग तो उनको पता ही होता है। कक्षा 6 में पढ़ते हो आप, खड़े हो जाइए। आज नहा क्यों नहीं आए? नहाए हैं सर। नहीं नहाए हैं आप। चलिए बताइए, सैटरडे की स्पेलिंग बताइए। नहीं पता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। जिस गवर्नमेंट द्वारा, जिस सरकार द्वारा इतनी शिक्षा, इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, अभी सरकार जो उपलब्ध है वर्तमान में, मुख्यमंत्री का नाम इनको नहीं पता है बेटा। आपको नहीं पता ना? नहीं पता है। आपको बताइए मुख्यमंत्री का नाम, बोलिए। आपको पता है मुख्यमंत्री का नाम?
इनको मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं पता है, तो फिर क्या है इस शिक्षा, इस शिक्षा व्यवस्था का क्या मतलब है? ये सर मैं पूछ लूँगा, मुझे जब पूछना होगा मैं बिल्कुल पूछूंगा, और इसमें कोई ज़बरदस्ती और प्रेशर वाली बात, क्योंकि देखो कैमरा बिल्कुल लाइव है, कैमरा चल रहा है, तो जो भी चीज़ें हैं सब कुछ सामने हैं, ऑडियंस जो देख रही हैं वो भी बताएंगी कि यहाँ पर मैं जो सही कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी बेसिक चीज़ें, इतनी कमज़ोर बच्चे, ये कहाँ जाएंगे, कैसे इनका कल्याण होगा, ये बहुत ही शोचनीय विषय है, क्योंकि सरकार यहाँ पर करोड़ों करोड़ों रुपए, लाखों लाखों रुपए खर्च करती है शिक्षा व्यवस्था को मेंटेन करने में। एक टीचर के ऊपर कम से कम 50,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए तक की जो है सैलरी मिलती है, जो कि इस सैलरी देने का एक ही मतलब है, शिक्षा व्यवस्था का सुधार करना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, राइट सर? तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये इस पर कतई जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा जो है हमारे देश का धरोहर है, और शिक्षा ही जीवन है, जीवन है तो शिक्षा है। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है वो समझिए पशु के समान है। इसलिए सभी जितने बच्चे वहाँ आए हुए हैं, और जो यहाँ पर जो जितने विद्यालय हैं, मैं घूम घूम कर यही रिसर्च करता हूँ कि यहाँ पर जो हालत, जो आज की दुर्दशा है सोनभद्र की, सोनभद्र एक ऐसा जिला है यहाँ पर लगभग अधिकतर संख्या जो है जनजाति निवास करती है, और यहाँ पर इनकी आय का साधन जानवर, खेत खलिहान और पशुपालन, यही इनका जो है एक मुख्य मतलब आय का स्रोत है। इसी के आधार पर ये अपनी जीविका उपार्जन करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि कॉन्वेंट स्कूल में जा करके 1,00,000 रुपये ईयरली दे करके पैसा ये पढ़ा सकें, तो सरकार ने इनके लिए व्यवस्था किया है। तो इसमें जो पूरा दायित्व है ये सरकारी अध्यापक मास्टर का है, इन बच्चों का जब भविष्य देखे और इन बच्चों का भविष्य संवारे। चलिए आप बताइए बेटी, आपका नाम क्या है? प्रीति कुमारी। कहाँ घर है आपका? बरवाटोला घर है। आपके पिताजी का नाम? श्याम नारायण। बताइए बेटी, यहाँ पर नवंबर का स्पेलिंग बताइए। देख लीजिए सर, तो आपने जो कहा आपकी बात भी रख ली हमने, आपने कहा जो पुराने बच्चे नए बच्चे हैं, तो यहाँ पर जो पुराने बच्चे हैं इनसे ही मैंने पूछ लिया है। ये बहुत ही दुख वाली बात है ना, जाएगा वो एक समय था सरकारी अध्यापक आते थे और पढ़ा करके पूरी ज़िंदगी अपनी मतलब जी करके चले जाते थे, लेकिन आज का दौर बदल चुका है। ये 2022 आ गया है, एक नया जनरेशन, एक नया दौर और एक नई सरकार, नई सोच। शिक्षा जो है, जो जितने भी अध्यापक, सहायक अध्यापक देख रहे हैं इस वीडियो को, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कीजिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं, सेटिंग वेटिंग भी ठीक ठाक है, बट यहाँ पर जो बात है एजुकेशन की, जो कि मेन चीज़ है, अगर ये व्यवस्था अगर नहीं होती, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन अच्छा होता तो ये एक फिर भी एक बेहतर माना जाता, लेकिन यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल दुर्दशा इसकी हो चुकी है, और यहाँ पर जिम्मेवार सिर्फ एक अध्यापक नहीं है।